हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिकरा सिफ़िर। वेलकम टू अनदर ब्लॉग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप्स हो के ठीक ठाक होंगे। और वेलकम है आपको एक न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग जो है वो होने वाला है थोड़ा सा मिक्स सा। तो इस ब्लॉग में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, बेबी से रिलेटेड भी। और अभी तो बेबी सो रहे हैं, मैं अभी सुला के आई हूँ, इसलिए काफ़ी घर में जो है सुकून सा हुआ है क्योंकि बेबीज अगर जाग रहे हो तो इतने सुकून से वीडियो नहीं बनाने देते, एज यू नो। और बेबी से रिलेटेड भी मैं आपको अपडेट देती हूँ। अभी तो उन्होंने शावर लिया है और अभी सो गए हैं जल्दी। और आज स्पेशल ये है मेरे ब्लॉग में कि आज है हमारी हैप्पी एनिवर्सरी। हमारी शादी को हो गए हैं 3 साल पूरे और हमारी 3rd एनिवर्सरी है। सो आज रात 12 बजे जो है वो आसिफ को थोड़ा सा विश करेंगे और थोड़ा सा सुबह उनके लिए छोटा सा सरप्राइज है, तो वो भी अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो 12 बजे सिर्फ विश करेंगे और विश किस तरीके से करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, हमारी शादी हुई थी 23rd अक्टूबर को और 22 अक्टूबर को मेरे भाई की शादी थी, 21 को हमारी मेहंदी थी और 24 को वलीमा था। सो 3 साल हुए पूरे खैर खैरियत से और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजरे 3 साल। गुजरते पता नहीं चला, 3 बेबीज़ भी हो गए माशाल्लाह से। चलते हैं फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग को एंड तक देखिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। शो सम लव एंड लेट्स गो। अच्छा जी, बेबी जो हैं शावर लेके आराम फरमा रहे हैं और इतना जल्दी सो जाते हैं नहाने के बाद और इनको ज़्यादा नींद आती है तो बिल्कुल तंग नहीं करते, तो आज भी बड़े आराम से सो गए हैं तीनों एक साथ। इनकी टाइमिंग एक साथ ही बनी हुई है तो इस वजह से मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होती, तीनों एक साथ सो जाते हैं। तो अभी ये हैं 3 आवर्स तक माशाल्लाह से अपनी नींद पूरी करेंगे और जब ये नींद पूरी करके उठते हैं तो फिर बिल्कुल नहीं तंग करते। और अगर कभी जल्दी उठ जाएँ और फिर अपने भाइयों को देखेंगे कि वो क्यों सो रहे हैं, इनमें से अगर कोई एक भी उठ जाएगा ना वो बाकी दो को सोने देता, ये इनकी खासियत है। अच्छा, इतना बेबी सो रहे हैं तो हम खा लेते हैं खाना शाना, उसके बाद में बाकी की एक्टिविटीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि आज दिन में करने के लिए क्या कुछ है। 3 hours later अच्छा जी, तो बेबी सो के उठ चुके हैं और हमें रिसीव हुआ एक पार्सल। हमने बेबीज़ के लिए ऑर्डर की थी टैम्पोलिन और बड़ी जल्दी हमको रिसीव हो गया। सो अभी देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या कुछ है और बेबीज़ काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है। और ये नीचे उतरेंगे तो हम इसको खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या कुछ है। अच्छा जी, तो आसिफ जो हैं वो वन बाय वन सारी चीज़ें निकाल के देख रहे हैं और ये सारे नट्स से जोड़नी पड़ेगी और हमारी हेल्प करेंगे जीशान भाई, बिकॉज उनको इन सब चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज है। और बेबीज़ को तो आप देख ही सकते हो, बेबीज़ अपनी मस्ती में लगे हुए हैं और यहाँ पे फाइटिंग लगे हुए हैं खेलने के लिए अपने चाचू और चाची के साथ में। अच्छा, और बाकी जो है इनके होते हुए तो ये जुड़ नहीं पाएगी, सो मैं इनको लेके जा रही हूँ रूम के अंदर ताकि बाकी का जो काम है वो आसिफ और जल्दी जल्दी से कर सकें। बट अभी बेबीज़ रूम में जाने के लिए रेडी नहीं है तो थोड़ा सा इसकी बेस जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे बनेगी। और जब फाइनल ट्रैम्पोलिन तैयार हो जाएगी और बेबीज़ के जिस रूम में हमने रखनी है वहाँ पे रख के फिर मैं आपको फाइनल जो लुक है उसकी वो दिखाऊंगी। अभी ये जो बेस है वो आसिफ और जोड़ रहे हैं नीचे से, इसके स्टैंड वगैरह इसके साथ, पेच वगैरह के साथ। और जिन बॉक्सेस में सामान आया है बेबीज़ उसमें जा के बैठ रहे हैं, इनको हर चीज़ में न्यू खेल मिल जाता है और ये इसको भी एक खेल ही समझ रहे हैं और खुश हो रहे हैं। और यहाँ बेबीज़ की खुशियाँ चेक करो, बेबीज़ के लिए ना कोई नई चीज़ आए ना तो उनको उनकी एक्साइटमेंट ही अलग होती है और नई चीज़ की खुशी अलग होती है। सब बच्चों का मेरे ख्याल से यही हाल होता है और यहाँ पे इनका भी यही हाल हो रहा है। और अभी जोड़ के फिर दिखाती हूँ मैं आपको। अभी तो ये अपने बॉक्सेज़ में बैठे हुए हैं आराम आराम से और क्लैपिंग कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में मैं इनको रूम में लेके जाती हूँ ताकि फाइनल जो इसकी लुक है वो फिर निकल के आए, क्योंकि बाकी का जो अभी काम है थोड़ा सा अभी दिमाग लगाना पड़ेगा, काफ़ी कुछ इसके जो अंदर की नेट है वो लगानी पड़ेगी और काफ़ी कुछ जोड़ने के लिए भी है काम है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको इस वीडियो में सारी दिखाती हूँ।
जी, तो ट्रैम्पोलिन को बनने में भी थोड़ा सा टाइम बाकी है, लेकिन बेबीज यहाँ पे तंग कर रहे हैं, तो मैं बेबीज को लेके जा रही हूँ रूम के अंदर, और बाकी के जो फाइनल लुक है इसकी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी इसका काफ़ी ज़्यादा काम होना बाकी है, तो फाइनल लुक इसकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बेबीज़ क्योंकि यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे हैं, चीज़ों को छेड़ रहे हैं और इसको जोड़ने नहीं दे रहे, और फिर मैं आपको बाद में इसकी जो फाइनल लुक है वो दिखाती हूँ। ओके जी, अभी टाइम हुआ जाता है 11:25 और बेबीज़ जो हैं वो सो गए हैं, शुक्र है। और केक तो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो देखते हैं क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। मेरे पास है अभी बेबीज़ की ये वाले बिस्किट, जो है कि अल्फ़ाबेट्स बने हुए हैं, इस तरह के बिस्किट्स पैकिंग में आते हैं जो, तो लास्ट टाइम जो था मैंने न्यूट्रेला चॉकलेट से लिखा था हैप्पी एनिवर्सरी, तो अभी जो है चॉकलेट वैसे मेरे पास अवेलेबल तो हैं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ अल्फ़ाबेट से लिखूँ हैप्पी एनिवर्सरी अमोरे, ठीक है। तो फटाफट से मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, साथ में रखेंगे कैंडल और साथ में केक की जगह हम ये रख लेंगे पाकिस्तानी जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है। सुबह का सुबह देखेंगे, पहले विश करें, तो बेबीज़ की चीज़ें आज काम आने वाली हैं जी। तो ये देखें, मैंने लिखा है अमोरे हैप्पी एनिवर्सरी और साथ में चॉकलेट्स वगैरह, और सिंपल सा ये अब लेके चलते हैं इसको और करते हैं विश। चलें, बाकी का व्लॉग हम बनाएंगे सुबह, ठीक है। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। अच्छा जी, तो सबको गुड मॉर्निंग, और सुबह सुबह जो है मैंने बिना नाश्ते के ये बलून्स हैं वो बना लिए हैं, और बाकी गिफ्ट्स वगैरह भी अरेंज कर दिए हैं, और मैं भी रख के देख रही थी कि कैसे लगेंगे। अभी सारे बलून्स वगैरह और सारी चीज़ें सेट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मिरर पे मैंने कुछ नोट्स लिख के लगाए हैं, और इस साइड वाले मिरर पे भी और सामने वाले मिरर पे भी।
दस मिनट में इन्होंने रूम में आके क्या हाल किया, सारी चीज़ें नीचे उतार के। वो बेबी, इनके लिए न्यू चीज़ें हैं। क्या कर रहे हो आप लोग? यस, क्या हुआ मेरे बेटे को? खेलो खेलो खेलो, शाबाश शाबाश, ये लो। आपको अच्छे लग रहे हैं बलून? वाओ ताबी। करते हैं यहीं पे खत्म। होप सो कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। शो सम लव एंड मेरी तरफ से टाटा बाय, लव यू, अल्लाह हाफिज़।